उस बीमारी से पहले जो लाचार बना दे, उस बुढ़ापे से पहले जो अक्ल खो दे और उस मौत से पहले जो तौबा का दरवाजा बंद कर दे। इस वक्त आलम इस्लाम एक ऐसी शख्स की बड़ी शिद्दत से मुंतजिर है जो उन्हें दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहे फितने से निकाल कर सलामती और खुशहाली और रोशनी की तरफ लाकर फितनों का दरवाजा बंद कर दे। ये इंतजार ठीक उस तरह हो रहा है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दबे कुचले गरीब मिस्किन लोग जुल्म से निजात के लिए आखिरी पैगंबर का इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम मेहंदी तब तक नहीं आएंगे जब तक फितना हर मुसलमान को एक काले साए की तरह दिखाई न देने लगे, क्योंकि हदीस में आता है कि यह उम्मत कराह उठेगी। असल अल्फाज ये है कि चमड़े की तरह उम्मत खूब रगड़ी जाएगी, जिस तरह खुरदरे चमड़े को चिकना करने के लिए पत्थर पर रगड़ते हैं, उसी तरह मुसलमान रगड़े जाएंगे। कोई घर जद में आए बगैर नहीं रहेगा। लोग इस बात की आस छोड़ देंगे कि इमाम मेहदी आएंगे, क्योंकि वो दौर बड़ा भयानक और डरावना होगा। मुसलमान का जमीन पर चलना दुभर हो जाएगा, यानी लोग ऐसे शिकार करेंगे जैसे जानवर का शिकार करते हैं खाने के लिए। अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी हम मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा, मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अभी हम अजान दे सकते हैं, लेकिन ये भी रोक दी जाएगी। अभी हम औरतों को पर्दों में रख सकते हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी पाबंदी लग जाए और लोग दीन से ऐसे भागेंगे जैसे बिल्ली से चूहा भागता है, लोग कसरत से मुर्तद होंगे। मुनाफिक लोग ऐसे ऐसे सामने आएंगे कि हम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, वो दुनिया के लिए आखिरत का सौदा करेंगे। बेशक इन सब से वो बचेगा जो हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल रखेगा, जो घबराएगा नहीं, और ऐसे लोग वो होते हैं जो हल्की हो या भारी हर मुसीबत पर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जिनका कारोबार, बीवी, बच्चे, खुशी, गम अल्लाह के हुक्म के आड़े नहीं आते, ये लोग हर हाल में अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। इमाम मेहंदी जब आएंगे तब आएंगे, हो सकता है हम और आप उस वक्त तक रहे ना रहे, हर इंसान अपने अमल और नियत पर उठाया जाएगा, इसलिए हम अपनी जिंदगी का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ लें और जिंदा रहते हुए जिस हुक्म को पूरा करने को कहा गया उसमें लग जाए। उस बीमारी से पहले जो लाचार बना दे, उस बुढ़ापे से पहले जो अक्ल खो दे और उस मौत से पहले जो तौबा का दरवाजा बंद कर दे। अगर इस दौरान इमाम मेहदी का जुहूर हो गया तो जहे नसीब, वरना उनके बारे में हमसे कोई पूछ नहीं होगी, हमसे हमारे बारे में ही पूछ होगी।